बड़ी खबर का, दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाद्य विपणन टीम और पुलिस ने कार्रवाई की है। टीम ने 15 कुंतल नकली खोया पकड़ा है। पाउडर और रिफाइंड से बनाया गया था नकली खोया। पैलानी से कानपुर भेजा जा रहा था नकली खोया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर दीपावली के त्यौहार के मद्देनज़र प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है, जहां खाद्य विपणन टीम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने 15 कुंटल नकली खोया बरामद किया है। ये खोया पाउडर और रिफाइंड से बनाया गया, जिसे पैलानी से कानपुर भेजा जा रहा था, और इसी दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए ये बरामद किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुखबिरी की गई थी, जिसमें एक पलानी बांधा से एक कानपुर जा रहा था, तो रात में अचानक पुलिस के सहयोग से सुमेरपुर क्रॉसिंग के पास छापा मारा गया, जहां दोनों गाड़ियां पकड़ी गईं। दोनों गाड़ियों में कुल मिलाकर 15 कुंटल नकली खोआ था, जो पाउडर और रिफाइन से बनाया गया था। प्रथम दृष्टया देखने में और नुकसानदेह था, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करा दिया गया। 4 सैंपल लिया गया है सुमेरपुर थाने में, और बेतवा नदी के पुल पर 15 कुंटल हुआ जो है डिस्ट्रैक्ट करा। और हमारे संवाददाता शीलू निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शीलू, ये जो कार्रवाई हुई है, नकली खोया बरामद हुआ है, क्या आपके पास उसको लेकर अपडेट है? जी, आपको बता दें, दिवाली त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर अलर्ट मोड पे है। वहीं पे मुखबिर की सूचना पे कल शाम को रात में फोन आया, उसे पैलानी से कानपुर नकली खोया भेजा था, जो 15 कुंटल था, और रेलवे क्रॉसिंग के पास में संयुक्त टीम ने पकड़कर उनको नष्ट करके बेतवा नदी में फेंक दिया गया है। और जी, कितनी ऐसी कार्रवाई अब तक देखी गई है जहाँ इस तरीके से त्योहारों के मद्देनजर नकली खाद्य सामग्री बरामद हुई है? त्योहारों को लेकर कई कार्रवाई अभी तक हुई हैं और लगातार होती रहती हैं। जी शीलू, अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर डिस्पोजल इस नकली खोए का किया जा रहा है, सही तरीका क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बोरे हैं नकली खोए से भरे हुए, उन्हें नदी में डिस्पोज किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। क्या ये करना ठीक है? प्रशासन की कोई नियमावली नहीं है कि अगर ऐसे कोई चीजें पकड़ी जाती है तो उनको कैसे डिस्पोज करना चाहिए? ये कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि अगर जैसे जो चीजें पकड़ी जाती है उनको या तो जमीन पे दफना दिया जाए, या तो क्योंकि जो फेंकने के बाद में नदी का पानी कहीं जानवर पीते हैं तो कहीं लोग भी पीते हैं, कुछ इस तरीके के मामले आते हैं, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। जी शीलू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। थैंक यू।